सीधी के बाहरी थाना क्षेत्र के मूर्तिया निवासी रमाकांत पांडे की पत्नी पूनम तिवारी का शव एक बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस मर्ग कायम कर मामले को रफा दफा करने में जुट गई। जब तक मृतक के माता पिता पहुंचे तब तक पुलिस और ससुराल वालों ने मृतिका का अंतिम संस्कार करा चुके थे। मृतक परिजन ससुराल वालों पर हत्या और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं, जो स्थानीय बाहरी पुलिस को नागवार गुजरा। मामले की सुनवाई करने के बजाय मृतक के माता पिता के साथ बदसुलूकी करते हुए गाली गलौज कर मारपीट की, बल्कि सभी को पूरे दिन थाने में बिठाया रखा। मृतक के परिजनों के साथ स्थानीय पुलिस द्वारा किए गए बर्बरता से पीड़ित अब न्याय की गुहार पुलिस अधीक्षक से लगाते हुए बाहरी पुलिस और ससुराल वालों के खिलाफ लिखित शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। मृतक नवविवाहिता के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के समय दहेज में जो मांग की थी उसमें नकदी कुछ कम दिए थे, जिससे ससुराल वाले हमेशा बेटी को प्रताड़ित करते थे। पुलिस प्रशासन मामले में सही और निष्पक्ष जांच करे ताकि मेरी बेटी को न्याय मिल सके। वहीं मृतिका के माता ने बहरी पुलिस पर बदसुलूकी और गाली गलौज के साथ मारपीट करने और पूरा दिन थाने में बैठाए रखने का आरोप लगा रही है। एसपी साहब के पास जाओगे तो तुम होती कौन हो, कौन कौन बच्ची की माँ है, बड़ी माँ है हमारी, दौरानी है बड़ी माँ है। तो वो बोले कि क्या कहते हैं, तुम पकड़ पकड़ ज़्यादा साली तुम करती हो, तो तुमको हम एक अभी मर्दाना कोई होता है, अभी जेंट्स होता तुम साले को चीखी फेंक देते। हम बोले सर ये आपसे बदगी से मत पेश होइए, हम आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, एक बर्दी का इज्जत करें आप, लेकिन इंसाफ मांगने आए तो आप हमको क्या वैसा वारदात पेश हो रहे हैं। इतना जब बोले तो वो हमारे गले में यहाँ जो हाथ लगा करके खींचे, तो हमारे ऐसे ऐसे सब खड़े हैं सर, ऐसे हमारी ननद जो रानी सब खड़ी है ऐसे बैठी है, और भतीजा हमारा बेटा जो है तो 17-18 साल का है, 22 साल का, वो जो है तो दूर कुछ खड़ा रहा तो दौड़ के हमारे पास, जो हमसे लपटा हाथ लगाए तो हमारा बच्चा ऐसे मोबाइल निकालते हुए भागा। भाग तो वहाँ से जब आया तो वो डायरेक्ट उसको 2-3 हवा मार के और बिल्कुल अंदर कर दिए, उसके साले को गुंडा ही करता है, मोबाइल निकाला है वीडियो बना रहा, इतने उसको बंद रहते हैं। कौन करते सरकार सर, एक आई साहब को तो ऐसा सजा सुनाइए कि जो भी याद करे। ये भी बोला कि कोई बंसल हम जानते नहीं, कौन बंसल है, बंसल को मारे तो कुछ नहीं है, तुम लोग मुरैने हो कोई काम नहीं। बच्ची बोली अंकल जी आप क्यों बोल रहे हो। घटनाक्रम जो है थाना बहरी के तहत हुआ है, जिसमें जो नवविवाहिता मर्ग, जैसा कि विदित हो कि नवविवाहिता मर्ग की जो जाँच होती है वह जो है इसमें जो है संबंधित जो SDOPs या CSP साहिबान होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। यदि उनके मायके पक्ष के द्वारा इस प्रकार के कोई आरोप हैं तो वह जो है जांच के दौरान उसके सभी चीज़ें समाहित की जाएंगी, और जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर जो है फिर अग्रिम जो है कार्रवाई की जाएगी। पुलिस से जब कुंडी खोली तो उस बच्ची को उसके मुंह पे चीटियां चल रही थी, बच्ची बिल्कुल सीधी लेटी थी, और मेरे को तो बस ऐसे लग रहा है कि उसका मर्डर हुआ है, क्योंकि कई निशान थे और वो मतलब सीधा बच्ची पड़ी थी। पुलिस क्या कह रही, पुलिस वहाँ वाली पुलिस थी तो वहाँ उस समय तो साइन करवा लिए, बोले ऐसा ऐसा है यहाँ से मिट्टी उठवानी है, तो आप लोग कल आइए सुबह 9, और आप लोग कल कर दिए थे ना साइन, तो हम लोग बोले कि भाई साइन तो हो गई थी, तो मिट्टी वहाँ से लाने के लिए बहरी के लिए बोले थे, और यहाँ जब करने नहीं था तो यहाँ क्यों बुलाए। यहाँ आने के बाद ना तो हम लोगों को लाश दिखाई गई, ना PM कहाँ हुआ, ना वहाँ पे कैसे उसकी मिट्टी कहाँ ले गए, किसको दी, हमें फिर कुछ नहीं बताया। क्या लगता, क्या इसके पहले भी कभी दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे? दहेज के लिए शुरू से ही शादी के बाद प्रताड़ित करते रहते थे, चूँकि शुरू में वो 5 लाख एक उलट की डिमांड किए थे, 5,51,000 की, तो मैं अपने समर्थ के हिसाब से 2,51,000 उनको सोना वगैरह जितने बोले थे, 5 तोला जो फर्नीचर वगैरह बोले थे, तो हम अपने सेवाई के हिसाब से दिए थे। बाकी समय समय पर जब भी लड़की को हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे, तो जब भी आती थी तो हम कुछ न कुछ दे के भेज। हम न्याय चाहते हैं कि जो लड़की के साथ इंसाफ हो, तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 महीने का बच्चा है, 3 साल की लड़की है, 3.5 साल की, तो उनको न्याय मिले बच्चों को, और जो उसको मर्डर किए हैं उनको सही जाँच हो, उनको भी सजा मिले। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।